उनका एक अभी करंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है विद रोहित साटिया। अब रोहित साटिया कौन है, कुछ लोग जानते हैं रोहित साटिया कौन है। बेसिकली रोहित साटिया वो शख्स है जो निशा के मुंह बोले भाई हैं। सो रोहित साटिया बेसिकली लखनऊ से हैं, जिनकी ऑलरेडी एक बच्ची है 7 साल की, बीवी है, माँ है। तो उनको छोड़कर यहाँ पे बॉम्बे में रह रहे पिछले 14 महीने से, जब से ये हुआ है। एंड ये सब कुछ मेरे बच्चे के सामने हो रहा है, बिकॉज काविश इज इन द हाउस। निशा की मदर लक्ष्मी रावल इज ऑल्सो इन द हाउस। मतलब आज दिन दहाड़े बॉम्बे जैसी जगह में मेरे घर में आदमी घुसा हुआ है 14 महीने से, हो क्या रहा है? और मैं कुछ कर नहीं पाऊं क्योंकि मैं आदमी हूं, और वो औरत है तो कुछ भी बोल सकती है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार, तू किस हाइट तक जा रहे हैं लोग, आप देखो वो क्या बोल रही है। आई डोंट पे मच हीड टू इट। आई हैवंट सीन माय सन फॉर 14 मंथ्स। 2nd November इज द ओनली टाइम व्हेन आई एंटर्ड द हाउस, आई सॉ हिम, ही केम, ही सेड आप रहने आए हो। आई हैड अ सर्टेन थिंग, आई गिव इट टू हिम, and the only two things he said was that I love you and I miss you. 4.5 saal ka bachcha, that's it. And that's the time I decided that ab chahe 1 saal lage, 2 saal lage, 5 saal lage, 10 saal lage, jo bhi lage, I will fight this. You have to hold on now, you will have to hold on, because I can't concentrate on that part first. How do I, पहले माँ बाप भाई को निकालूं, अपने आप को निकालूं, सिचुएशंस करूं, 14 साल का मतलब 14 महीने का एविडेंस मैं आप लोगों को आके बताऊं कि मैं काविश को लेके घूमूं अब। यस आई हैव। डू यू थिंक इन दिस सिचुएशन जो चल रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीवी एक्टर करण मेहरा का ये बयान है कि उनकी वाइफ का अपने कजन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। वो अपने बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। मैं नहीं कह सकती सच क्या है, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे न जाने कितने केस दिखा सकती हूँ आपको, जहाँ एक शादीशुदा व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और फिर वो लड़की को घर ले आता है वाइफ के होते हुए, और उस लड़के के माँ बाप उस लड़की को भी जगह देते हैं घर में, और सबके सामने सब कुछ हो रहा होता है, तब समाज में किसी को उस महिला का दर्द क्यों नहीं दिखता? पर महिलाओं के लिए इतने सारे कानून हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल आयोग है, महिला आयोग। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ज्यादातर इन सब की शिकार महिलाएं ही होती हैं। ये कैसा समाज है जिसमें हम पुरुष यदि कोई गुनाह करता है तो हम उस पे पर्दा डाल देते हैं, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन वहीं यदि महिला कुछ करती है तो पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है। ये दोगलापन खत्म कीजिए यार, क्योंकि आज के टाइम में सब पढ़े लिखे हैं और सबको अपना अच्छा बुरा दिखता है। जितनी फिक्र एक पिता को उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने से अपने बच्चे की हो रही है, उतनी ही फिकर एक माँ को भी होती है जब उसका पति दूसरी शादी करके उसको घर में ले आता है और बाकायदा बच्चे पैदा करता है। दोनों ही सिचुएशन में बच्चों का फ्यूचर खराब होता है, लेकिन तब समाज को क्यों नहीं दिखता कि उस मासूम से बच्चे के दिमाग पे कितना असर पड़ रहा होगा इन सारी चीजों का? वो दूर ही क्यों जाओ, YouTube पे जाने माने यूट्यूबर हैं अरमान मलिक, उनके घर में क्या हो रहा है? क्या उस छोटे से बच्चे पे इस सब का असर नहीं पड़ रहा? लेकिन अगर करण मेहरा की वाइफ कुछ करती है तो उनके बच्चे पे असर होने लगता है उस चीज का। प्लीज जो गलत है उनको गलत बोलना सीखिए, और जो सही है उनको सही बोलना सीखिए। ये स्त्री पुरुष में भेदभाव करना बंद कर दीजिए। जिस दिन ये महिलाओं के साथ भेदभाव बंद हो गया ना, उस दिन महिलाओं को किसी स्पेशल कानून या स्पेशल महिला आयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी।